And this question is from December 2019. Bahut important question hai, repeatedly question aa raha hai ye exam mein. dy equal by dx equal to x square plus y square, ye diya hua hai, aur y at 0 equal to 1 diya hua hai, aur jo x ka range hai wo less than or equal to 1 aur greater than or equal to 0. Is region pe ये इक्वेशन डिफाइन करेगी. ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन इन 0 टू पाई बाय 4, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो 0 से पाई बाय 4 पे डिफाइन हो. सेकंड, एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड इन 0 टू पाई बाय 4. इस रीजन पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो बाउंडेड होगा. थर्ड कह रहा है कि सॉल्यूशन हैज अ सिंगुलरिटी इन पाई बाय 4 टू 1. पाई बाय 4 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में इसके पास सिंगुलर पॉइंट मिलेगा. एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड इन सम सब इंटरवल ऑफ पाई बाई 4 टू. ठीक है, तो अब यहां प्रॉब्लम ये है कि इसको आप किसी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करो. ठीक है, हाँ, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम होल्ड कर रही है. ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये इस पॉइंट के नेबरहुड में बाउंडेड है. कार्स एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम लगाओगे उससे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और वहां से अगर मैं एच इंटरवल फाइंड करता हूं, जब भी आपको तो आपको इसको कंपेयर कर. ठीक है, तो जैसे टी वाई बाई टी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स जो है ये नॉन एम्प्टी है, तो ये क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा. तो इक्वल टू अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखा, यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन का लोअर बाउंड, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा इसके सोल्यूशन से ग्रेटर और इक्वल होगा इसका सोल्यूशन. ठीक है, ये क्या गया, वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन वाई टू दी पावर माइनस वन. तो यहाँ से वाई एक्स आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा. ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करके. लेस देन और इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू इसका प्रभाव का तो. ठीक है, पर बाउंड मैं यहां से रख सकता हूँ या कोडिंग डिसाइड कर. पहले ऑप्शन पे आ रहा हूं, वो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है जो उस रीजन पे डिफाइन होगा. तो अपर बाउंड मैं ये लिख सकता हूं कि ये dy by dx equal to pi by 4 whole square plus y square, क्योंकि x square का इस रीजन पे अपर बाउंड क्या है, pi by 4 ये आएगा. ये क्लियर है, मैं 0 से pi by 4 से बात कर रहा हूं. क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, dy by सम ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स. सोल्यूशन क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स वाई बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस किया जाएगा, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, फाइव बाई फोर, तो यह आ जाएगा फोर बाई फाइव टेन इनवर्स, यह आ जाएगा आपके पास फोर वाई बाई फाइव इक्वल टू एक्स प्लस टू, और वाई एट जीरो इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो y at 0 equal to 1 put करेंगे तो tan inverse 4 by 5, तो ये आपके पास c equal to आएगा 4 by 5 tan inverse 4 by 5. ठीक है, तो फाइनली
मैं जो वाई एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ वो क्या ले सकता हूँ, वाई ऑफ एक्स जो इसका सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, और लेफ्ट देन और इक्वल टू यहाँ से जो सॉल्यूशन आया इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया आपके पास 4/5 टेन इनवर्स 4y/5 इक्वल टू एक्स प्लस ये आ गया 4/5 टेन इनवर्स 4/5। तो यहां से वाई एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 4 इक्वल टू 5/4x प्लस 10 इनवर्स 4x। तो वाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/4 टेन ऑफ पाई एक्स बाई फोर प्लस टेन इनवर्स पाई बाई, ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5/4 टेन इनवर्स पाई ऑफ एक्स बाई फोर प्लस टेन इनवर्स 4/5 ये, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। अब अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसको y इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम, x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम, तो x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में इसके पास सिंगुलर पॉइंट मिलेगा जहां सॉल्यूशन बेसिकली अनबाउंडेड होगा, ठीक है, यहां x इक्वल टू 5/4 रखूंगा, x इक्वल टू 5/4 रखूंगा तो ये कभी भी, सॉरी ये tan फंक्शन है, tan फंक्शन का जो डोमेन होता है वो 0 से 5/2 पे डिफाइन होता है, 5/2 पे ये अनबाउंडेड होगा, उससे पहले अनबाउंडेड नहीं होगा, अगर मैं नेगेटिव पे जाऊंगा तो -π/2 से π/2 के बीच में ये डिफाइन है, ठीक है, तो ये जब x की वैल्यू मैं 5/4 रखूंगा ये कभी भी वैल्यू 5/2 नहीं आएगी, तो इस रीजन पे ये सॉल्यूशन भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, तो दिस इज ऑल्सो डिफाइन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और ये जो x को मैक्सिमम 5/4 रखूंगा, मिनिमम 0 रखूंगा तो ये फंक्शन बाउंडेड, ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा बाउंडेड फंक्शन, तो सेकंड टू हो जाएगा, वो कह रहा है कि हैज अ सिंगुलर पॉइंट इन दिस रीजन, जब इस क्वांटिटी को 1 की तरफ ले जाऊंगा, जब x को 1 की तरफ ले जाऊंगा तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, तो इसको भी क्या होगा अनबाउंडेड, तो x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में अनबाउंडेड होगा, और 5/4 से 1 के बीच में कोई ना कोई एक सब इंटरवल होगा जहां इसको मैं अनबाउंडेड कर सकता हूं, और अगर ये अनबाउंडेड होगा तो ये भी अनबाउंडेड, तो डी ऑप्शन भी ट्रू, फाइनल आंसर शुड बी ए बी सी एंड डी, सारे क्लियर है, तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आपको उससे कंपेयर करना है जो इजीली सॉल्व कर, यानी कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशंस का लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आपको कैलकुलेट करना है।